आप देख रहे हैं एमपी 7 न्यूज मध्य प्रदेश। मैं हूं इमरान। छतरपुर में तेंदुआ के हमले में दो डिप्टी रेंजर गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना लुगासी वीट की, जहां वन विभाग की टीम गांव में तेंदुआ होने की सूचना मिली थी। इसी सूचना पर वन अमला तेंदुआ का रेस्क्यू करने गांव में पहुंचा था, लेकिन अचानक इस आदमखोर तेंदुआ ने दो डिप्टी रेंजर पर जानलेवा हमला कर दिया। तेंदुआ के हमले से वन अमले में अफरा तफरी मच गई। घायल दोनों डिप्टी रेंजर को जिला अस्पताल इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। दोनों डिप्टी रेंजरों को चेहरे और हाथ में चोटें आई है। वही गांव में तेंदुआ को पकड़ने के लिए पन्ना नेशनल पार्क की टीम मौके पर भेजी है। वही गांव में वन अमले के साथ भारी पुलिस मौके पर मौजूद है। छतरपुर से एमपी 7 न्यूज के लिए अरविंद वर्मा। घटना हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई, वहाँ एक तेंदुआ रहा सर्कल नौगांव। हम लोग गए, पर्याप्त मात्रा में 40-50 कर्मचारी, उसका रेस्क्यू किया तो हमारे दो कर्मचारियों पर अटैक कर दिया। डिप्टी रेंजर नौगांव राजेंद्र सक्सेना और दूसरे पहाड़ गांव डिप्टी रेंजर वो पांदर साहब, इनको ऊपर अटैक किया। तत्काल हम इनको लेकर अस्पताल आए। गंभीर अवस्था है? हाँ, गंभीर हालत अवस्था में। अभी कोई व्यवस्था नहीं हो पाई अस्पताल में। वहाँ पर क्या सर्चिंग चल रही है अभी? क्या? हाँ, वहाँ है, काफ़ी स्टाफ है अभी, हमारा छोड़ के आए हैं स्टाफ, वो रेस्क्यू चला रहे हैं, पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ इलाज उचित मिला है अस्पताल में? अभी उचित इलाज नहीं मिल रहा है। हाँ, बस उन्होंने बस पट्टी भर बांध और कुछ कर ही नहीं रहे। हो सकता है बाहर ले जाएं।